मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहूंगा मुझे एक मौका देने के लिए कि आप लोगों से मैं आज मुखातिब हूं, आप लोगों से बात कर सकूं। मेरे बारे में शायद आप लोग जानते हैं मेरी बैकग्राउंड की, मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता था, मैं फाइजर में काम करता था। 1996 में मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया, जब मैं मोदी केयर के अंदर एज अ डिप्टी मैनेजर ट्रेनिंग ज्वाइन किया और उसके बाद वहां पर नेशनल सेल्स हेड था। तो लगभग 5 साल से ऊपर का समय मैंने वहां पे बिताया और मैं कहूंगा कि 12 साल फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाई की इंडस्ट्री में काम करने के बाद सिर्फ 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग में लगाने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग से मुझे प्यार हो गया। प्यार होने का मतलब यही था कि एक चीज का मेरे को जो एहसास हुआ कि अगर इस दुनिया में कोई सबसे नेक काम है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पे एक आदमी अपना पूरा बल, अपना समय, अपना तजुर्बा सब कुछ दूसरों के साथ लगाता है ताकि उनकी जिंदगी बदल जाए और वो आगे बढ़ सके। तो उसी इंडस्ट्री से हमें प्यार हो गया और कन्वर दीपक और मेरी जो मुलाकात उसके बाद में हुई, हम तीनों को जो एक ही सोच थी कि अगर इस दुनिया में कोई सबसे नेक काम है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है। हमने जब वेस्टीज को शुरू किया तो हमने सिर्फ एक चीज के ऊपर ध्यान दिया कि हम लोगों को बेहतरीन एक सिस्टम कैसे दे सके, राइट। लोगों की जो तलाश थी कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ साल काम करते हैं फिर कहीं और, क्योंकि ना तो कोई इनकम बनती है ना कंपनी के अंदर स्टेबिलिटी होती है। तो हमारा सबसे बड़ा ये उद्देश्य था कि हम लोगों को इस इंडस्ट्री के अंदर वो सम्मान दिलाएं जो दुनिया भर में, जहां पे लोग एक बेहतरीन सम्मान पाते हैं। लोग कहते हैं कि सेल्स एक बहुत बेहतरीन एक बिजनेस है जिसके अंदर बहुत अच्छे लोग ही सफल हो सकते हैं, जिनके पास काफी गुण होते हैं। हमने वेस्टीज के अंदर वही चीज की कि जो लोग गुण वाले हैं, जिनके पास तजुर्बा है, वो अपने तजुर्बे को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी उनके तजुर्बे से फायदा बना के अपनी जिंदगी को बदल सके। तो वेस्टीज को आज 16 साल, आपको पता है 16 साल से ऊपर हो चुका है। ये जो 2020-21 है इसके अंदर COVID-19 के करके काफी सेटबैक्स तो जरूर आए हैं, राइट। कि सेल जो हम चाहते थे हम करें, जो हम चाहते थे कि हमारे इतने लोग लाखपति बने या कितने लोग 50 लाख या 1 करोड़ की आमदनी पे जाएं, उतना नहीं हो सका। पर वही कहते हैं ना, जो हमेशा मेरे एक लाइन होती है जिसके ऊपर मैं हमेशा काम करता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो जब COVID-19 का टाइम था, जहां पे हमने देखा कि अगर वेस्टीज की सेल अगर डाउन चलेगी क्योंकि लोगों को प्रोडक्ट नहीं मिल सक रहा या लोगों की बाकी तरीकों में से जो आमदनी थी अगर वो आमदनी नहीं है, तो लोगों के चेक यहां से अगर कम हो जाएंगे तो हजारों लाखों लोग आज के दिन पे वेस्टीज के अंदर फुल टाइम है, यानी कि उनके परिवार, उनके सब कुछ चलता किस करके है, वेस्टीज की आमदनी के करके। तो हमने ये नहीं विचार बनाया कि चलो सारी दुनिया के ऊपर ये विपदा आ पड़ी है तो वेस्टीज के ऊपर आई तो क्या हुआ, क्योंकि हमारा जो डेडिकेशन है अपने लोगों के लिए, हमने इमीडिएटली जो हमारे चुनिंदा प्रोडक्ट थे सबसे पहले तो उनके ऊपर डिस्काउंट दिया ताकि लोग उसको परचेज कर सके और ग्रुप के अंदर कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन के करके वॉल्यूम्स बढ़ेंगी, वॉल्यूम्स के करके लोगों के चेक कैसे बढ़ेंगे, उसको हमने किया। और अपनी एनिवर्सरी के ऊपर जो हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि लोगों को कैसे हम जल्दी से सफलता के ऊपर लेके जाएं, हमने आत्मनिर्भर प्लान को लॉन्च किया और हमारी उम्मीद है कि इस साल भी डेफिनेटली जो हमारी ग्रोथ है वो पिछले साल से काफी होगी। अंदाजा है लगभग 2800 से 3000 करोड़ तक का टर्नओवर वेस्टीज इस साल करेगी, क्योंकि हमारा जो टारगेट रहेगा कि पिछले साल अगर हमारी वर्ल्ड के अंदर 30th रैंकिंग थी तो इस साल हम अपनी रैंकिंग को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। 2021 मेरा ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट साल रहेगा, राइट। जिसके अंदर जो 2020 के लोगों के तजुर्बे हैं, जिसके करके नंबर वन अपने आप को सोशली प्रोटेक्ट कैसे करें, मास्क लगाना कैसे है, सैनिटाइजर अलग जैसे लफ्ज लोगों की डिक्शनरी में आ चुके हैं, क्वारंटाइन वगैरह, और उसके बाद जो लोगों के साथ हमेशा एक मुश्किल रहती थी कि लोग कहते थे कि दूसरों को संपर्क कैसे करें, ग्रुप अगर छोटी जगह पे है और कम लोग हैं उनको ट्रेन कैसे करें,
तो इस कोविड 19 के अंदर जो हमारी एंटायर लीडरशिप ने, मैं उन सब के लिए बहुत ज्यादा तालियां बजाना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने एक काम किया कि टेक्नोलॉजी को इतनी बेहतरीन तरीके से अडेप्ट किया कि उन्होंने एक चीज का अभाव नहीं होने दिया कि जी ग्रुप मीटिंग्स नहीं हो रही, हॉल मीटिंग्स नहीं हो रही, अवार्ड फंक्शंस नहीं हो रहे। उन्होंने इमीडिएटली जूम या वेरियस अदर मीडियम के करके अपने नेटवर्क को जो उन्होंने क्लोज कॉन्टैक्ट में लेके आए, उनको प्रोडक्ट एजुकेशन दी, उनके साथ कम्युनिकेशन के चैनल्स और ज्यादा बेहतरीन बनाए, राइट, कि कैसे लोग जो है अगर ना मिले हुए भी लोगों को कैसे अपनी टीम के अंदर ज्वाइन करवा सकते हैं, उनको कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, एप्लीकेशंस को कैसे यूज करके। तो जो ये पूरे इस साल का तजुर्बा रहा है हम लोगों का 2021 के अंदर, मेरा यही मानना है कि कम से कम 3,000 करोड़ से हम कम से कम 4,500 करोड़ तक की ग्रोथ करेंगे। 2021 हमारे लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट साल रहेगा, क्योंकि 2020 को तो सारे के सारे भूलना चाहते हैं और मैं भी भूलना चाहता हूं, बट वेस्टिजियंस का डेफिनेटली चेक बहुत बड़ा है। तो 2021 हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन साल रहेगा। 2020 के अंदर जहां पे हमने थाईलैंड लॉन्च करना था, फिलीपींस लॉन्च करना था, गाना, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, जो बाकी देश लॉन्च करने थे, जिसके करके हमारा ग्लोबल टर्नओवर कहीं का कहीं चला जाता, मैं यही कहना चाहूंगा कि वो सब कंट्रीज हम 2021 के अंदर मार्च और अप्रैल तक हम उनको लॉन्च करने का टारगेट बना रहे हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आए, कोविड 19 भी आए, वो वेस्टीज के परिवार को कभी पीछे नहीं रख सकती। इस समय के अंदर भी वेस्टीज ने फिनोमिनल ग्रोथ की है और हाईएस्ट एवर सेल्स लेके आए हैं, हमारे लीडर्स के हाईएस्ट एवर चेक्स बन रहे हैं और ये चेक्स बनते रहेंगे। और इस टाइम के अंदर भी वेस्टीज ने नेपाल को लॉन्च किया है और नेपाल के अंदर भी फिर से हम सुपर सक्सेसफुल बन चुके हैं। किसी भी दुकान से, अगर कोई किराने की दुकान से जाके या मॉडर्न स्टोर से जाके कोई चीजें खरीदता है, उसके लिए उसको कोई ज्यादा और क्वालिटीज होने की जरूरत नहीं होती, पर वो उन्हीं क्वालिटीज जो परचेज की होती है उसके करके जो खरीदता है, उसके करके अपना नेटवर्क बनाता है। जब नेटवर्क भी उसका कंज्यूम करता है, उस कंजम्पशन पैटर्न के ऊपर ही उसकी आमदनी एक बहुत बड़ी कैसे बन सकती है, ये वेस्टीज टेक्सटाइल्स के अंदर हमने एक प्रयास किया। आज 3.5 साल से वेस्टीज टेक्सटाइल्स को ऊपर से हो चुका है, वो भी मेरा ख्याल से इस साल 100 करोड़ से ऊपर की कंपनी बन चुकी है। उसके अंदर बेहतरीन प्रोडक्ट्स जो आपने देखे हैं वो सब हमने लॉन्च किए हैं। कल ही हमने ओपनिंग की है वेस्टीज टेक्सटाइल्स के गोल्ड स्टोर की बोरीवली बॉम्बे के अंदर, जिसके अंदर कन्वर जी भी गए हुए थे, राइट। तो जो हमारा ये कारवां है आगे बढ़ते हुए कि हम लोगों को सहूलियत दे सकें और वेस्टीज टेक्सटाइल्स के स्टोर्स और खोल सकें, वो कंटिन्यू रह रहा है। हमारा टारगेट ये है कि अगले साल दिसंबर तक पूरे इंडिया में कम से कम 1,000 से ज्यादा स्टोर्स हो। और जैसे आपने कहा सब्जी, फल, फ्रूट वगैरह, हमारा ये पूरा का पूरा अटेम्प्ट है, क्योंकि मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमें भी एक लगा रहे हैं फूड पार्क जो जलंधर के पास, जहां पे फ्रेश वेजिटेबल प्रोड्यूस जो है वो आपको सॉर्टेड और बिल्कुल बढ़िया जो है आपको वेस्टीज टेक्सटाइल्स के स्टोर में मिले, राइट, एंटायर नॉर्थ इंडिया के अंदर। उसके साथ हम अभी शुरू में केटर करेंगे। तो हमारा वेस्टीज टेक्सटाइल्स के अंदर यही प्रयास है कि आपको कहीं पे और किसी चीज के लिए जाने की जरूरत ना हो, जो चीज आपको चाहिए हो बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी की, बेहतरीन दाम के ऊपर और पीवी के साथ आपको मिले, जिसके करके आपके नेटवर्क के अंदर ना ही सिर्फ वेस्टीज की 9 तरीके की इनकम, बल्कि 9 तरीके की इनकम वेस्टीज बेस्टील से भी हो, यानी कि आप यहाँ पे 18 तरीकों से इनकम कमाए। तो ये हमारा इसके लिए फ्यूचर है और बहुत स्ट्रांग रहेगा, ना ही सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि दुनिया भर में। जहां जहां वेस्टीज जाएगी वहां पे वेस्टीज बेस्टील भी जाएगा, और जहां जहां आपके नेटवर्क बनेंगे उनको हम इतने बेहतरीन तरीके से केटर करेंगे और सर्विसेज करेंगे ताकि किसी को ये कारण ना मिले कि वो वेस्टीज में सफल ना हो सके। तो 2021 आप सबके लिए बहुत ही बेहतर साल रहेगा, जिसके अंदर आपके परिवार के अंदर बहुत खुशियां आएंगी, आप सब ग्रो करेंगे, आपकी टीम ग्रो करेगी, यही मैं आपसे कहना चाहूंगा।